नमस्कार मित्रों, भारतीय प्राचीन परंपरा की शिक्षण पद्धति क्या थी? तो हमारा मानना है कि कृष्ण भगवान और सुदामा साथ में लकड़ी काटने गए थे वो सिर्फ कहानी नहीं है, उससे बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि भगवान होते हुए भी, राजा होते हुए भी जब शिक्षण लेने की बात आई तो उन्होंने वहां पे मर्यादा का भंग नहीं किया है, खुद का काम खुद गुरुकुल में जाकर के किया है, लकड़ी काटने गए हैं, सब काम खुद करे, और वहां पे कोई राजा और रंक नहीं होता। हम सेक्युलर की बातें करते हैं और वो सेक्युलर जिया करते थे। वैसे ही भारत के सभी सफल राजा रहे, ले लीजिए राम भगवान की बात ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, जो भी सफल भारत के राजा रहे हैं वो सभी लोग ने गुरुकुल में शिक्षा पद्धति से ही उन्होंने शिक्षा ली। तो यहाँ पे गुरुकुल शुरू करना था, उसके अंदर हमें यही प्रणाली का उपयोग करना था कि हम थोड़ा बहुत उस पर कोशिश करें कि खुद का कार्य खुद करते करते बच्चे पढ़े। तो यहाँ पे 8 से 12 साल के बच्चे अपना कपड़ा खुद धोते हैं, खुद का बर्तन खुद साफ करते हैं, कैंपस की साफ सफाई खुद करते हैं, कर्मचारी उसमें थोड़ा मदद करते हैं लेकिन खुद करने का प्रयास करते हैं। हफ्ते में एक दो बार पूर्ण रसोई भी बच्चे ही बनाते हैं। तो ये सब कार्य करते करते हमको लगा कि कम पढ़ने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे सभी बच्चों का ग्रास्पिंग बढ़ने लगा, ग्रहण शक्ति बढ़ गई। एक्चुअली क्या है कि अपना कार्य खुद करना, उसमें कुदरत के साथ भी जुड़ना, तो बहुत सारा अलग अलग प्रकार के विकास अपने आप सहजता से होने लगता है। जैसे ग्रास्पिंग बढ़ा तो सिर्फ 1.5 साल के अंदर काफी बच्चों को 500 से लेकर के 1200 पाणिनी सूत्र याद हो गए, कंठस्थ हो गए। हम यहाँ पे संस्कृत विषय चलाते हैं तो उसमें अष्टाध्याय प्रक्रिया से चलते हैं और पाणिनी व्याकरण के सूत्र बच्चे कंठस्थ करते हैं, तो एक ही साल में 1200 पाणिनी सूत्र तक भी काफी विद्यार्थी पहुंच चुके हैं। तो ग्रहण शक्तियां बढ़ी। ये व्याकरण दुनिया का सबसे ऊपर लेवल का व्याकरण है। जिसने अष्टाध्याय प्रक्रिया से 6 साल का सिलेबस में पढ़ाई की उसका दिमाग ऐसा बन जाता है कि उनको कोई भी दुनिया की लैंग्वेज भाषा सीखने के लिए सिर्फ 6 से 8 वीक ही जाते हैं। 6 से 7 सप्ताह के अंदर अगर वो दुनिया की कोई भाषा ग्रास्प कर सकता है तो सोचिए कि किस प्रकार का दिमाग डेवलप करता है। संस्कृत, संस्कृत देव भाषा है, वो सारे कोड खोल देती है, ग्रहण शक्तियां बढ़ाती है। तो ये संस्कृत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क हमारे सामने आया है। दूसरी जो विषय हम चलाते हैं वो यहाँ पे है वैदिक गणित। दिमाग के अंदर ही कैलकुलेशन होने लगे। देखिए, हजारों साल से भारत ने बहुत अलग प्रकार की गणित में ऊंचाई प्राप्त करी थी लेकिन कुछ सालों में वो लुप्त होने लगी। जैसे लीलावती के 16 सूत्र से लेकर के काफी अलग अलग कैलकुलेशन है। तो बच्चे जब वैदिक गणित करेंगे, अभी देखिए कैलकुलेटर कंप्यूटर्स वगैरह आ चुके हैं, लेकिन जब वैदिक गणित प्रक्रिया से बच्चा पढ़ता है तो उसके दिमाग का भी विकास होता है, उसके दिमाग के सेल्स का विकास होता है। तो ग्रहण शक्तियां बढ़ती है और भविष्य के लिए एक अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा नागरिक पैदा होता है। तीसरा विषय यहाँ पे चलता है वो है आयुर्वेद और नाड़ी विज्ञान। अब देखिए, पूरे भारत भर में सभी कॉलेजों, इवन BAMS में भी जो विद्यार्थी पास होकर के निकलता है आयुर्वेद कॉलेज से, उसको नाड़ी का पता ही नहीं है विषय, कैसे नाड़ी चेक करनी है, क्या होता है। तो पूर्ण आयुर्वेदाचार्य कैसे बन सकता है? जब उसकी नाड़ी का सही से उसको ज्ञान होगा तब जा करके वो मूल में जा पाएगा कि किस शरीर के कौन से पार्ट में क्या तकलीफ है। तो अभी से बच्चे 8 से 12 साल के बच्चे नाड़ी विज्ञान का विषय ठीक से सीखने का प्रयास कर रहे हैं। 10 से 12 साल के बच्चे हमारे आपकी नाड़ी पकड़ के बता सकते हैं कि भाई L4 में पेन है, L5 में है, या आपके सर में दुखता है। तो धीरे धीरे करके बच्चे कैंसर तक का डिटेक्शन नाड़ी से करे, वो हमारा दर्शन है और उसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में अच्छा ही होगा। तो अभी से बच्चे औषधियों का स्पष्ट निदर्शन करते हैं, जैसे आयुर्वेद का नाड़ी विज्ञान तो सीखते ही है, साथ में पूरी औषधि को बोना वगैरह से लेकर के पानी पिलाना सब विद्यार्थी अभी से सीखते हैं। और वो सीखते सीखते साथ में कोई औषधि को तोड़ना भी है, अगर उसको लेना भी है तो भी वो आमंत्रण मंत्र वगैरह देना, उसको सम्मान देना, उसकी जगह पे नए पौधे लगाना, वो अभी से उसको बचपन से सिखाया जाता है। तो प्रकृति को कभी भी भविष्य में वो नुकसान न पहुंचाए,
उस प्रकार की विद्या अभी से सीखना। मित्रों, चौथा विषय यहाँ पे जो मुख्य चल रहा है वो बहुत ही अहम है, जैसे चरित्र निर्माण, ये आज के स्कूलों से गायब है। चरित्र निर्माण में हम पुराना जो भी काम का चीज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लुई फर्स्ट लुई सेकंड हिस्ट्री में से हटा के महाराणा प्रताप, शिवाजी, अब्दुल कलाम कौन, आज के वैज्ञानिक कौन, साथ में महाभारत, रामायण और बहुत सारी बौद्ध कथाएं और जो रियल में बने हुए व्यक्तित्व है जिनका चरित्र आदर्श है उनको यहाँ पे पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि दुनिया के हर एक स्कूल में ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? तो उनके हीरोज बदलना है, उनके हीरो समाज में कौन होने चाहिए? वो बड़े होकर के सिर्फ फिल्म स्टार उसके हीरोज है, ये गड़बड़ है। हमको क्या करना है कि आदर्श जीवन चरित्र कौन जी के गया है उसका प्रभाव अगर बच्चों पे आया तो जीवन काल के अंदर वो कहीं पर भी दुनिया में जाए वो आदर्श नागरिक बनेगा, आदर्श इंसान बनेगा, आदर्श पति बनेगा, आदर्श समाज सेवक बनेगा, आदर्श बेटा बनेगा, आदर्श पत्नी बनेगी। तो जीवन का चरित्र मुख्य घड़तर विषय है और एक हर एक स्कूलों में चलाना चाहिए तो ये अच्छा समाज भविष्य में डेवलप हो सकता है। पांचवा विषय यहाँ पे चलाते हैं हम कृषि का, वो भी बहुत अहम है। जैसे भारतीय परंपरा की कृषि है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ कृषि है। आज का मैं एक सिंपल सी बात कहूँ तो पूरा दुनिया खेती पे चल रहा है और डीएपी यूरिया पे तीन तत्वों पे चलता है। ऑर्गेनिक की अगर बातें आती है तो भी 16 तत्वों पे ही आके खत्म हो जाती है, सजीव खेती की बात करते हैं। लेकिन हमारी गौ कृषि, हमने 450 गायों का सेपरेट गौमूत्र का एनालिसिस किया है, 5100 एलिमेंट्स निकले उसके अंदर। अब ये 5100 एलिमेंट्स पीकर के जो पौधा डेवलप होगा, उसका जो अनाज पैदा होगा, उसकी तुलना दुनिया में कोई खेती से हो सकती है क्या? तो वो जो पौधा से अनाज पैदा हुआ वो जब हमने खाया तभी रोग मुक्त वातावरण होगा, विश्व मुक्त आहार होगा, तब जाके सब स्वस्थ बनेंगे। तो अभी से बच्चे उस प्रकार की खेती सीखते हैं और बड़े होंगे तो हमारा लक्ष्य है कि महीने का 25,000 से लेकर 75,000 रुपये सिर्फ खेती से ही कमा पाए। तो अभी शहरों में MBA भी 15,000 में मिल रहे, तो जो शहर में मिलने वाला जो पगार है वो सहजता से गांवों के अंदर छोटा किसान कैसे कर पाए वो भी हमको सिखाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है स्पष्ट, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। तो हमें तो खेती को महत्व देना ही भूल गए, उसका आत्मसम्मान हमको वापिस दिलाना है। तो खेती भी हमने यहाँ पे मुख्य विषय रखा हुआ है। उसके बाद हमने गौपालन का विषय भी लिया है। देखिए, भारतीय प्राचीन परंपरा में गौ माता को बहुत महत्व दिया, गौ माता के आधारित ही गुरुकुल चला करते थे। गौ माता है तो शुद्ध दूध मिलेगा, गौ माता है तो शुद्ध मक्खन मिलेगा, गौ माता के सानिध्य में सात्विकता मिलती है और वो सात्विकता से जो ग्रहण शक्तियां बढ़ती है बच्चों की वो अतुलनीय होती है। जैसे मैंने पाणिनि सूत्र का स्पीड बताया, छोटे छोटे बच्चे का जो स्पीड बता रहा हूं कि भाई ये इतने समय के अंदर ये नाड़ी का विज्ञान में आगे चले गए, वो फक्त और फक्त गौ माता के आधारित पे ये स्पीड मिली है। तो गौ माता को भूलना नहीं है, तो उसको पालन कैसे करना, उसको रखना कैसे, उसका दोहना भी अभी काफी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, गौमूत्र उसकी औषधियां कैसे निर्माण करना, तो अच्छे पंचगव्य वेद्य भी बच्चे बन सकते हैं और साथ में अच्छे गौपालक भी बनेंगे। तो ये भी हमारा बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। साथ में चार भाषाएं कराते हम, गुजराती, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश, चार भाषाएं को उसमें सम्मिलित किया हुआ है। साथ में संगीत और नृत्य, जीवन में देखिए संगीत और नृत्य है तो उसमें से आप कितने भी स्ट्रेस हो तो तुरंत हल्के हो सकते हैं। तो अभी से बच्चे संगीत और नृत्य का बहुत पारंपरिक अभ्यास कर रहे हैं और साथ में शारीरिक क्षमताएं डेवलप करना, जैसे रोप मलखम, पोल मलखम, भारतीय शिक्षा प्रणाली में ये सब था। बच्चे का सिर्फ लिखा पट्टी में विकास हो ये विकास नहीं है। देखिए, बात आई दिमाग डेवलप करने की तो वो विषय भी भारतीय प्राचीन परंपरा में है। दूसरा विषय आया तो कला का भी विषय आ गया, मनोरंजन का विषय भी आ गया, साथ में शारीरिक क्षमता का भी आता है। तो मन और शरीर दोनों मजबूत होगा और स्वस्थ होगा तब जाकर के वो अच्छा जीवन जी पाएगा और वो संतुलित जीवन होगा उनके लिए। जैसे शारीरिक में हम पोल मलखम कराते, रोप मलखम कराते, रस्सी के ऊपर 15-20 फीट ऊपर चढ़ना विदाउट सपोर्ट और उसके ऊपर जाकर के योगासन करना, ये डिफिकल्ट है, 4-5 साल की प्रैक्टिस के बाद होता है। लेकिन गौ माता की कृपा से सिर्फ एक ही साल में 20 बच्चे 12 आसन करते थे। एक छोटी लड़की 10 साल की ऊपर जाती है, 15 आसन करके नीचे उतरती है। तो ये स्पीड गौ माता ने दी है।
और सबसे बड़ा एक विषय हमने चलाया है साथ में शारीरिक क्षमता में, कलरीपाई, केरल का मार्शल आर्ट है। वहां से बोधि धर्म करके गए थे ऋषि चाइना में, और वहां पे वो शॉलिन और अलग अलग नाम से प्रचलित हुआ, लेकिन मूल भारतीय परंपरा का ये विषय है और आज भी जीवित है। तो ये यहाँ पे मलयालम में हम बच्चों को सिखा रहे, तो एक भाषा और सीखने मिल जाएगी, और उसका प्रणाम केरल में एवरेज 4 महीना जाता है सीखने को, तो यहाँ पे 25 दिन में हो गया। तो धीरे धीरे करके बच्चे इतने सक्षम बने कि वो एक लड़की भी ठीक से सीख गई ना कलरीपयट्टु तो 4 से लेकर 10 पुरुषों को पहुंच सकती है। तो ये सक्षमता भारतीय विद्या प्रणाली में थी, तो उसको वापिस पुनर्जीवित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगले साल से हम इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें कभी आधुनिकता से बाध इतनी नहीं करनी है कि समाज के प्रवाह में विद्यार्थी मिले नहीं। ये शिक्षण प्रणाली को आधुनिकता के साथ समन्वय करके और आगे बढ़ना है हम। जैसे मैं आज कहूँ वैदिक गणित, तो आधुनिक शिक्षण प्रणाली में ये होना चाहिए, और आधुनिक शिक्षण प्रणाली से भी हमको कुछ सीखना है। तो जो चीज आज के काम की वो हमें स्वीकार भी करनी है, और हमारी पुरानी अच्छी चीज को छोड़ना भी नहीं है। जैसे यहाँ पे बच्चे पलाटी मार के पढ़ाई करते हैं, तो पलाटी मारे तो खून का भ्रमण यहाँ होता है, बेंचिस पे अगर बैठते हैं तो खून का भ्रमण पैर के पास होता है। तो पुराना क्यों श्रेष्ठ है वो तर्क के साथ हम सिखाते हैं बच्चों को, तो बच्चे जहां कहीं पर भी समाज में जाए तो वो स्वाभिमान से कह पाए कि हम बैकवर्ड नहीं है, हम अच्छा आपका स्वीकार करने के लिए तैयार है, हम हमारा अच्छा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर बात आती है कि भाई आधुनिकता के साथ ये कैसे तर्क संगत होता है। देखिए मैं एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, आधुनिकता में क्या है कि भाई ये 7 विषय है, उसमें आपको पास होना है और इतने मार्क्स चाहिए कम से कम मिनिमम। तो मैं आपको पूछ रहा हूं कि किसी बच्चे को 5 विषय में 0 आया और 1 विषय में 99 आया तो वो बच्चा फेल कैसे, जबकि वो 99 जिस विषय में आया है उसमें PhD कर सकता है, तो हमने उसको फेल क्यों किया? तो पूरा समाज फेल है। भारतीय गुरुकुल परंपरा ये नहीं थी मित्रों, आप देखिए 5 पांडव थे तो 5ों पांडव को गुरु द्रोण ने अलग अलग विद्या सिखाई थी, किसी को धनुष, किसी को ये, किसी को गदा, सबकी क्षमता अलग अलग थी, सबकी रुचि अलग थी। तो ये परंपरा हजारों साल से हमारी चली आ रही है कि बच्चे की विशेषता परखे और उस विशेषता के आधार पर बच्चों को आगे लेके जाए। जैसे जर्मनी ने ये पकड़ा है, हर 3 साल में बच्चों को स्क्रीन करते, बच्चे को किस विषय में रुचि है उस विषय में उसको धीरे धीरे करके अपलिफ्ट करेंगे तो वो विषय का मास्टर बनेगा और वो अपना श्रेष्ठतम काम कर पाएगा। और दूसरा, उसकी रुचि के विषय में उसको आगे लेके गए तो पूरी जिंदगी वो आनंद लेते लेते वो कार्य करेगा और समाज में अच्छे मैसेज फैलाएगा। तो कभी देखिए भारत में करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब होता है, हर साल बच्चे फेल होते हैं, क्यों होता है? तो जिस विषय में उसको रुचि नहीं है तो उसमें फेल होते हैं, तो वो उसका वहीं से रोक देते हैं उनको। तो ये बात गलत है, हमें बच्चे को रुचि डेवलप करे ऐसे विषय भी करने होंगे तैयार, और रुचि नहीं है तो वो विषय छोड़ के बाकी के विषय में उसको अपलिफ्ट करने का भी हमें काम करना होगा। दूसरा, जो भारतीय शिक्षण का मॉरल का वैल्यू है वो हर एक स्कूलों को डेवलप करना चाहिए। जैसे गणित है वो सबको लागू पड़ेगा, सबके दिमाग के लिए वो काम में लगेगा। मॉरल एजुकेशन है वो तो पूरी दुनिया में सभी के लिए लागू पड़ेगा। कृषि का एजुकेशन है तो हर एक स्कूलों में अगर कृषि का छोटा छोटा एजुकेशन दिया गया तो सब्जी कैसे उगाना, ये कैसे उग रहा है, क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वो सब एनालिसिस होगा। आयुर्वेद का विषय है मित्रों, आयुर्वेद की डेप्थ क्या है, 5000 साल पहले भी आंवले का गुण जो बताया था, आज कितना भी कोई भी स्टूडेंट आके PhD कर ले कोई भी दुनिया का, तो वही की वही वैल्यूज निकलती है। तो हमारे पूर्वजों ने जो डेवलप किया है वह अतुलनीय है। अगर बच्चे को अभी से वो शिक्षण प्रणाली में हर एक जगह पे सिखाया गया कि कौन सा विरुद्ध आहार है, किस आहार के साथ क्या लेना है, वो खाया तो आपका स्वास्थ्य जिंदगी भर अच्छा रहेगा। तो बच्चे ने जो सीखा वो खुद तो स्वस्थ रहेगा लेकिन समाज भर में वो सिखाया गया कि ये खाना है। आज देखिए दूध के साथ अपन ये खट्टा चीज कुछ खा रहे, फ्रूट्स वगैरह, और फ्रूट सलाद पी रहे, तो उससे स्किन डिजीज होना ही होना है। आज देखिए 80% पूरे भारत ने, पूरे दुनिया भर में सभी लोग पीड़ित है रोगों में। तो क्यों है? विरुद्ध आहार, प्रकृति के विरुद्ध खाना। तो बच्चे को अभी से हम लोग सिखा रहे हैं कि कौन से आहार के साथ क्या सूट करता है, कौन से सीजन में क्या खाना चाहिए, तो बच्चा बड़ा हो तब तक वो खुद स्वस्थ रहेगा और सभी को स्वास्थ्यपूर्ण जीवन देगा। तो ये आखिर में तो पूरे विश्व में सभी को मिलकर रहना सिखाना है। तो अहिंसा, छोटे से छोटे जीव को भी तकलीफ दिए बिना आपने क्या उगाया है, क्या खाया है, किसी को मार के तकलीफ दे करके तो आपने जीवन शुरू नहीं किया है, ये मॉरल वैल्यूज अभी से सीखना है बच्चों को।
एक पौधे का एक छोटा पत्ता तोड़ने से पहले भी उसकी आज्ञा, उसको प्रणाम करके उसकी औषधि रूप में हम ले रहे, तो ये संस्कार अभी से जाएंगे तो बड़े होके किसी को परेशान नहीं करेंगे। तो ये भी सभी दुनिया में सभी स्कूलों के लिए काम में लगेगा कि भाई भाईचारे की बात है, प्रकृति या किसी को भी नुकसान नहीं करना। इवन यहाँ पे त्योहार भी अगर मनाते हैं तो भी उस पर प्रकृति को नुकसान नहीं। जैसे गणपति बप्पा का त्योहार आता है तो बच्चे मिट्टी की अभी से ही इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाते, इको फ्रेंडली कलर करते, उसको त्योहार भी मनाते हैं और प्रकृति को नुकसान भी नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गोबर और गौमूत्र गाय का, सभी लोग उससे तुरंत मुंह बिगाड़ते। अभी से बच्चों को हम लोग उसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व समझाते और बच्चे इतने खुशी से गोबर का काम करते, गोबर की ईंटें बनाई है, गोबर का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बच्चे, गोबर की लिपाई बच्चे खुद करते और वो उनका प्रिय विषय है। हमने बायफोर्स यहाँ पे कुछ भी काम नहीं कराते, बायफोर्स यहाँ पे कुछ भी विषय नहीं चलाते, सहजता से उनके सामने वैज्ञानिक तर्क और पुराने तर्क के साथ हम जाते और बच्चे सहजता से स्वीकार करते। मतलब कि छोटे बच्चे एकदम कोरी पाटी होते हैं, उसमें जो भी हम अच्छे से डालना चाहेंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ पाते और उनके माता पिता ग्रहण करते उससे स्पीड में बच्चे ग्रहण करते। तो अच्छे गुरु हमेशा बहुत ही अच्छे प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं लास्ट बात बताता हूं, कोई भी शिक्षण प्रणाली हो, भारतीय हो या विदेशी हो, सभी जगह पे शिक्षक का चयन वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर गुरु सही है तो वो बहुत अच्छा कार्य पूरे दुनिया में कर सकता है और अच्छे विद्यार्थी का निर्माण कर सकता है। तो हमें कैसे भी करके अच्छे गुरु को ही शिक्षण प्रणाली में लाना चाहिए ताकि बच्चे उनसे प्रभावित होकर के अच्छा सीखे। जिनका मन शुद्ध हो, पवित्र हो, वैसे लोग ही पढ़ाने लायक होते हैं कि जिनका हृदय साफ हो। तो गुरु का चयन हमें करना है, सिर्फ डिग्री के आधारित गुरु चयन नहीं होता है मित्रों, गुरु के काफी लक्षण होते हैं। अगर वैसे गुरु अगर बच्चों के बीच में गए तो कुछ नई क्रांति कर सकते हैं और अच्छा समाज पैदा कर सकते हैं। तो मैंने आज काफी बात कही गुरुकुल की पुरानी पद्धतियों के विषय में। तो मैं ये चाहूंगा कि ये गुरुकुल प्रणाली हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं वो पूरे विश्व भर में आगे जाए। आज विश्व में क्या तकलीफ है मित्र, आप देखिए चरित्र का क्या तकलीफ है। एक 10वीं स्टैंडर्ड का बच्चा, 16-17 साल का बच्चा, एक अगर बच्ची लड़की निकल रही तो कितने विकृत टिप्पणी करते हैं, आपने सुना है कभी? हमारी आधुनिक शिक्षण प्रणाली ने हमारी माता बहनों और धरती माता को देखने की दृष्टि विकृत बनाई। उनको सिखाना होगा कि माता बहनों से व्यवहार क्या होता है, धरती माता से व्यवहार क्या होता है, प्रकृति के साथ व्यवहार क्या होता है। जब तक ये मॉरल वैल्यूज बच्चे नहीं सीखेंगे तो हम सोच नहीं सकते कि हमें कैसे भी करके वो समाज अच्छा निर्माण नहीं सोच सकते। जब तक बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे, गुरु माता पिता और ये बहनों को, तब तक वो अच्छा समाज निर्माण करना मुश्किल है। उनके हीरोज बदलने होंगे। मैंने आपको बोला ना कि उनके हीरोज ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो चरित्र के गड़बड़ है, व्यसन वाले हैं, तो उनको कैसे भी करके अच्छे राह पे लेके जाने वाले हीरोज होने चाहिए, जैसे अब्दुल कलाम है, और सभी लोग उनके आदर्श बनने चाहिए। तो लोगों को धीरे धीरे करके इसमें आगे आना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि किसी भी धर्म को अपना ज्यादा अतिरेक नहीं करना चाहिए। हमने भी यहाँ पे गुरुकुल में काम किया है तो बच्चे क्या करते हैं, अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं एवरीडे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्यास्त के समय पूर्ण अग्निहोत्र होता है और गौ माता के बीच में जाकर के जिन ईश्वर को जो मानते हैं उनको गौ माता में देख करके उनको आराधना वगैरह कर लेते हैं। कोई भी धर्म का बच्चा गुरुकुल में आया तो किसी को किसी का धर्म भुलाना भी नहीं है और सबको साथ में रह के चलाना भी सिखाना है। तो मिलके चलना, पूरे विश्वभर में शांति हो, उस प्रकार का प्रणाली अगर कर सकता है तो गुरुकुल परंपरा ही कर सकता है। आधुनिक परंपरा की बहुत ही लिमिटेड क्षमता है, उसी में अपने को संभल के चलना होगा। आधुनिकता विरोध भी नहीं करना है। जैसे आज सर्जरी हमारी जो पुरानी भारत की शल्य क्रिया थी अलग अलग प्रकार की, और सर्जरी की भी प्रक्रिया थी, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी यहां से ही गया था बात, लेकिन आज लुप्त हो चुका है, तो वो भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा और वो स्वीकार करके और अच्छे से पुराने संस्कृति के साथ जोड़ के नए संदर्भ में भी रखना होगा। अगर मैं कहता हूं कि भारतीय परंपरा को पकड़ के विज्ञान ने अगर अनुसंधान किया तो वो विज्ञान बहुत ही फायदा देने वाला बनेगा, और अगर गुरुकुल और पुरानी प्रक्रिया को नहीं जोड़ा तो विज्ञान प्रलय लाने वाला होगा।
तो हमें कैसे भी करके विज्ञान से लेकर के सभी संशोधनों का सदुपयोग करने वाले बच्चे कैसे बने उस पर एक ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर से एक ही बात बोलूंगा कि भारतीय परंपरा रही थी उसको गलत तरीके से बदनाम किया गया था। हमारा इतिहास ही हमारे पास सच्चा नहीं है। 200 साल पहले अंग्रेजों ने ही जो अपने पार्लियामेंट में रजू की थी बात कि भारत को अगर खत्म करना है तो उसकी गाय और गुरुकुल दोनों को खत्म करो, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो तभी से बात रखी थी कि हम इन भारत के छोटे छोटे बच्चे जो कैलकुलेशन करते, हमारे बड़े बड़े अधिकारियों को आधे घंटे लगते गिनती करने के लिए। तो छोटे बच्चे इतने सक्षम थे, छोटे बच्चे इतनी औषधियों का जानकारी रखते थे। तो हमें वापस अपनी पुनर्जीवित करनी है सब कलाएं विद्याएं, इसमें विवेक रखना है, हमें अतिशयोक्ति भी नहीं करनी है, लेकिन सबको साथ में मिलके चलना है। और किसी को इस विषय में अगर कुछ भी जानकारी ज्यादा चाहिए तो ये गुरुकुल में आकर के पूरा अभ्यास कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया भी सम में रखा है कि जो कोई कर सकता है और नहीं कर सकता है, लेकिन पात्रता के हिसाब से हम लोग का चयन ज्यादा होता है। शिक्षक का भी चयन यहाँ पे पात्रता के हिसाब से होता है। जैसे कि मैंने तीन शिक्षक की बात करता हूँ, यहाँ पे दो शिक्षक ऐसे हैं कि एक भी दिन स्कूल नहीं गए, और वो दोनों शिक्षक संगीत के गुरु परंपरा से पढ़े हुए, और उनका बहुत ही भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में आज उनका परफॉर्मेंस होता है। तो मतलब कभी विद्या ज्ञान डिग्री के मोहताज नहीं होती मित्र। अब्दुल कलाम किसको गुरु मानते थे? विक्रम साराभाई, कभी स्कूल नहीं गए। और एक तीसरे हमारे शिक्षक गण है, बहुत ही अच्छे नाड़ी वैद्य है, वो एक ही चौपड़ी पढ़े हुए, चार यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर होते। तो हमें वापिस ये भी सोचना है कि समाज को सिर्फ डिग्री के आधारित पर मत देखो, उनके पास स्किल क्या है वो देखना पड़ेगा, और गुरुजन को भी उसी आधार पर हमको चयन करना होगा। तब जाके अच्छा गुरुकुल निर्माण होगा, तब जाके अच्छी शिक्षा प्रणाली निर्माण होगी। हमें दूसरा भी एक बात कहना है कि कैसे भी करके अलग अलग गांवों में अभी भी काफी विद्याएं पड़ी हुई है, उसको भी संजोए। दुनिया के सब कोने से अच्छी अच्छी विद्याएं हैं, जिसको किसी को तकलीफ दिया बिना उसको डेवलप करके हम लोग समाज को आगे लेके जा सकते, कोई भी विश्व के कोने से। तो सब लोग मिलके उसको वापस लाए, नए प्रकार से सिलेबस बनाना होगा, नए प्रकार से बच्चों को रखना होगा, उसी हिसाब से हमें उनको डेवलप करना होगा। और दूसरा, बाय फोर्स बच्चों को कुछ भी ना कराया जाए। बाय फोर्स कराते हैं तो बच्चे का मन में स्ट्रेस आता है। आज पूरे विश्व में क्या स्थिति, छोटे छोटे बच्चे गन से शूट कर, ये क्या स्थिति, आत्महत्या करते, उनका रिजल्ट वो सहन नहीं कर पाते। तो हमें मन से और शरीर से एकदम सक्षम बच्चे बनाने, छोटी छोटी बात पे पराजय स्वीकार करके आत्महत्या कर ले या किसी को मार दे, ये क्या शिक्षण प्रणाली हुई। उनको बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए जाए कि उनकी क्षमता ही कुछ अलग लेवल की हो। और दो लाइन की अगर मैं बात कर लूं हमारे गुरुकुल का दर्शन क्या हम सोचते हैं, तो बात यह है कि बच्चे को पास बड़ा होकर के अब जो करोड़ों रुपये हो तो भी वो जमीन पे पैर रख के चलना चाहिए, और उसके पास कुछ भी ना हो, सब लूट लिया किसी ने, जंगल में अकेला छोड़ दिया, कोई आदमी भी नहीं है, तो भी उसका आनंद लूटना नहीं चाहिए। ये विद्या का स्वरूप उनके स्वरूप में जाए, तब उसका आनंद कोई दुनिया में कोई लूट नहीं सकता है। और वो जब जहां कहीं पर भी जाए सबका भला करे, सबका अच्छा सोचे, ऐसे विद्यार्थी जब होंगे तब विश्व का निर्माण अच्छा होगा। और सभी लोग मिलके, ये कोई कट्टरता का बात नहीं है, ये भाई बंधु वाली बात है, तो सभी लोग कोई अपना धर्म ना भूले और साथ में मिलके रहना सीखे, यही गुरुकुल परंपरा थी। और गौ माता को साथ में लेके चले। कृष्ण भगवान ने मक्खन खाया था, तो छोटे बच्चों के लिए मक्खन से ज्यादा अच्छा कोई टॉनिक नहीं है, लेकिन मक्खन कौन सा, देशी गाय का ही, बिलोने का, बिलोना करके जो मक्खन आया तो वो टॉनिक बच्चे को मानसिक और शारीरिक क्षमता डेवलप कर। धारोष्ण दूध बच्चे पीते, धारोष्ण दूध पिया और देशी गाय का ही, विदेशी गाय का नुकसान करता है, उसमें A2 A1 का जो कॉम्बिनेशन अलग अलग है, विदेशी में A1 होता है, वो बहुत ही मुश्किल है और सभी रोगों को बढ़ावा देने वाला है। तो मुझे विश्वभर में सभी को एक ही मैसेज देना है कि देशी गाय का दूध पिए बच्चे, देशी गाय का मक्खन खाए, तभी जाकर के उनके मन में सात्विकता डेवलप होगी। वेदों और शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, जैसी गौ माता की स्थिति वैसे आपके घर गांव राज्य और देश की स्थिति। उसका पंचगव्य का एक पार्ट भी आपके शरीर में गया तो एक हफ्ता आपके मन के अंदर, शरीर के अंदर सात्विकता बना के रखता, एक हफ्ते के बाद वो चली जाएगी।
तो कैसे भी करके देशी गौ माता के साथ जुड़े, उसके आधार पर ही विद्या हो, उसके आधार पर ही हमारा जीवन हो और उसी के आधार पर हमारी आगे की पीढ़ियां सुख और समृद्धि के पे आगे बढ़ सकती है। जाने अनजाने किसी को कुछ ठेस पहुंची है तो माफ करना, लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है कि गौ आधारित पूरे भारत नहीं विश्व भर में शांति आए, गौ माता की स्थिति अच्छी होगी, हमारे बच्चों की मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी होगी तो सबका विकास अच्छे से होगा। जय गौ माता, वंदे मातरम, वंदे गौ माता।